हेलो दोस्तों, आज हम नवमी के उपलक्ष्य में ये मैं हलवा लेके आई हूँ। हलवा बनाएंगे। अब ये मैंने एक कटोरा सूजी लिए, एक कटोरा ही चीनी लिए, एक ही मेजरमेंट लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ये इलायची पाउडर भी लिया है मैंने। और इसी कटोरे से मैं पानी लूँगी। अब ये चीनी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, अब इसी में हम चाशनी बना लेंगे। इसी कटोरे से हम चार कटोरा पानी ले लेंगे, मतलब चौगुना पानी चार बार डाल लेंगे। ये देखिए, और ये काजू, बादाम, किशमिश, सौंफ भी लिया है मैंने, बड़ी सौंफ। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है सौंफ तो आप डालिए, अगर आप पसंद करते हैं। जैसे किसी को सूजी नहीं पचती है, गैस हो जाती है पेट में, तो उसके लिए मतलब डाली जाती है, ये डाइजेशन के लिए सही रहती है सौंफ, और अच्छी भी लगती है मीठे के साथ अगर डल जाए तो। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। ये कढ़ाई मैंने लोहे की ली है दोस्तों। सूजी अगर आप बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर में गर्म होती है और उसमें भुना जाता है, तो सूजी जलने का डर रहता है, और कढ़ाई में इसमें जलने का डर नहीं रहता। अब मैंने बड़े चम्मच से दो चम्मच घी लिया है, और मैंने इतना कटोरे से भर के नहीं लिया है, क्योंकि वो क्या होता है ना, बहुत घी हो जाता है जब आप खाओगे तो मुँह में पूरा घी 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 लगता है। तो इसलिए जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगा, अक्सर लगेगा कि इसमें घी कम हो रहा है, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं लो फ्लेम में भूनूंगी, मीडियम टू लो फ्लेम में आप भूनिए, या जब लगता है कि आपको नहीं ज़्यादा जलने लग गई है तो आप लो में ही भूनिए इसको। ये देखिए, 10 मिनट लगते हैं इसको भूनने में सूजी को। अब मैंने डेग में जो पानी रखा हुआ है, इसको मैं इसकी चाशनी बना लेती हूँ। गैस ऑन करेंगे। ये देखिए, थोड़ा कलर भी इसका हो गया है, हल्का गुलाबी गुलाबी सा, हल्का ब्राउन टाइप का हो रहा है। अभी और भुनेंगे इसको हम। ये देखिए, गैस पे हम मैंने चढ़ा दिया। अब ये चाशनी का आप ये ध्यान करिएगा, जब आप चाशनी बनाते हैं तो चीनी को चम्मच से हिलाते रहिए, नहीं तो क्या होता है, अगर आप हिलाएंगे नहीं तो वो चीनी नीचे तला लगने लग जाएगी। ये देखिए, अब मैं इसको इसको हिलाते रहिए, जब ये पूरी घुल जाएगी फिर आप इसको लो फ्लेम में रख सकते हैं। तब तक आप सूजी भुनिए, उधर से चाशनी भी तैयार हो जाती है। और जो लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूँगी। ये इलायची पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया है, बिल्कुल फाइन बनता है एकदम से, छिलका सहित इसको मैं पीस लेती हूँ। अब इसकी भी मैं वीडियो डालूँगी कभी आपको। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले नहीं भुने हैं, आप इनको सूजी के साथ भी भून सकते हो। ये देखिए, अब मैं एक मिनट, देखो सूजी भी भून गई है, अब मैं एक मिनट तक इसको भी आप भून लीजिए। ये देखिए, ये भून जाते हैं इसके साथ बहुत बढ़िया, किशमिश भी भून जाते हैं, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है, इतना गर्म हो जाता है वो, तो आराम से भून जाता है। अब सौंफ मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि सौंफ फिर जल जाती है, तो इसलिए इसको बाद में थोड़ा, इसको भी आप देख के मतलब आधा एक मिनट तक इसको भी भून लीजिए। ये देखिए, पूरी हमारी सूजी का कितना अच्छा कलर आ गया, देखो भून के रेडी हो गई है, और खुशबू खूब अच्छी आ रही घी की। मैं इसका एक टिप बताऊंगी आपको सूजी का, उससे बहुत ही टेस्टी लगती है सूजी। अब आपको घी कम लगे तो आप बीच में भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं। ये देखिए, चाशनी बन के तैयार है। अब धीरे धीरे करके मैं इसमें डालूंगी, और ध्यान से, क्योंकि ये इसके छींटे फिर दूर दूर रह के डालिएगा पानी, क्योंकि इसके छींटे आते हैं फिर। ये देखिए, चाशनी बनाने के लिए आप मतलब ये है कि उसको पानी को अच्छा गर्म कर लीजिए, मतलब ये नहीं कि आप उबालो, खूब उबालते रहो, ऐसा नहीं, आप उसको मतलब गर्म कर लो बस। जैसे कुछ लोग ठंडा पानी डालते हैं, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपका वो इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में गर्म हो रहा है और आप ऊपर से ठंडा पानी डाल देते हो, वो गड़बड़ हो जाती है, तो गर्म ही होना चाहिए। अब ये देखिए, मैं ऊपर से इसमें घी डाल दूँगी। ये इसका एक मैंने आपको टिप बताया, इससे इतना बढ़िया स्वाद आता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, इससे खुशबू आती है बहुत बढ़िया, और स्वाद भी आता है बहुत। ये देखिए, तो ये मैंने आपको एक ही चीज़ में सारी चीज़ें बता दी हैं, और ऊपर से आप इसको ऐसे ये गोला मिक्स कर दूँगी, थोड़ा गोला मैंने बचा रखा है, सर्व करूँगी, तो ऊपर से आप किसी को सर्व करो तो ऐसे गोला उस ऊपर से उसमें डाल दीजिए। अब ये मैया के लिए निकाल देती हूँ, सबसे पहले मंदिर में चढ़ाऊँगी। ये देखिए, अब इसमें मैं गोला ऊपर से सजा दूँगी, आपको सर्व करके दिखाती हूँ।
और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।